क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में एक इवेंट दी हुई है ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 2/11, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, 1 - PA कर देंगे, जिससे आ जाएगा 1 - 2/11 और ये हो गया 9/11। ठीक है, सब बच्चे क्लास ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। 10th क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड है एसेसिनेशन। अब देखो इसमें लेटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और कहते हैं वॉवल होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप देखो वॉवल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज है 13 और वॉवल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आ गई 6/13। अगर कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/13। किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत हो संपर्क करें, नहीं है आगे बढ़े। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बता रहे समझते चलो अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है। कहते हैं पीए और बी निकालो, मतलब पीए यूनियन बी हमको निकालना है, जो किसके इक्वल होता है हम जानते हैं, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। पीए आपको दिया हुआ है, पी भी आपको दिया हुआ है, मिलकर हो गया आपके पास 4/5। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यूनियन की पूछी है। इसे देखिएगा, देखिए हमसे पूछी है यूनियन की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, ये इक्वल टू हो जाएगी पीई प्लस पीएफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, 1/4, 1/2, 1/8, यहाँ आया 8, 2, 4 और 1, तो 4 to 6 से आ गया आपके पास 5/8। ये इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड पार्ट। इसमें कहते हैं कि ई भी नहीं होना चाहिए एंड एफ भी नहीं होना चाहिए, नॉट ई एंड नॉट एफ। डी मॉर्गन लॉ से आप इसे लिख सकते हैं ई यूनियन एफ का नॉट, जो इक्वल टू हो जाएगा पीई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ आपने अपने पे निकाला है तो आ जाएगा 3/8। हाँ जी, देखो क्वेश्चन समझते चलो, दिक्कत आए पूछते चलो, बस इतना करना है आज आपको और कोई खास दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, हम बोलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये कुछ दिया हुआ है, मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि आज अगर हमने एक बार करे और नॉर्मल क्लास में हम एक बार करेंगे तो ये दो दो बार हो जाएंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक, देखिए 18 क्वेश्चन करना है, तो 18 क्वेश्चन में 40% स्टूडेंट्स मैथ्स वाले हैं, तो मैथ्स वाले हो गए 40%, 40%
बायो वाले हो गए 30%, 30%, बोथ वाले हो गए 10%, 10%। अब हमसे और पूछा गया है मैथ्स और बायो, तो हम जानते हैं डिमॉर्गन लॉ, सॉरी सिंपल लॉ से प्रोबेबिलिटी के, पी एम पी बी माइनस ठीक है जी, वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दुविधा या सुविधा, 437 - 1 6/10 मतलब बन गया 3/5। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं बच्चों आपके। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? गुड। नेक्स्ट देखो, फिर से दिया है, बड़े काम के क्वेश्चंस हैं इनका, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और हम बहुत सारे नहीं लेकिन काम काम के तो आज कर ही लेते हैं, थोड़ा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। पता नहीं सक्षम देख लेना अभी कौन से डिलीटेड है, हम करते चले जा रहे हैं, हमें लगता है काम के आएंगे। कहते हैं कोई फर्स्ट एग्जाम में पास होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। सेकंड एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। एटलीस्ट वर्ड जब भी आएगा बच्चों, आप समझ जाना बात यूनियन की चल रही है, तो ये 0.95 है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट में भी पास होगा एंड सेकंड में भी पास होगा, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी फर्स्ट पी सेकंड माइनस पी फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, आप खुद करेंगे इसको। तो प्रोबेबिलिटी की कोई हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो जाएगा, किसी में पास नहीं होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर करें। कहते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पास होना मतलब 0.5, किसी में पास नहीं होगा, हिंदी में पास नहीं होगा एंड इंग्लिश में भी पास नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इंग्लिश में पास होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। कहते हैं हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो सभी बच्चों को यहाँ पे कहेंगे हम, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अमीश ने निकाल भी दिया, बच्चे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो आप इतनी जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये देख लो ये इंटरसेक्शन का क्या बन गया, यूनियन, जो हो जाएगा एच यूनियन हिंदी यूनियन इंग्लिश। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.1, 1 - हिंदी यूनियन इंग्लिश। हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना दिया हुआ है, 0.5, 0.5, ये सब क्या निकाल लिया मैंने, सॉरी एक थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे हमसे, इसे करेक्ट कर लेते। यस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश की आ गई 0.9। अब तो सही चल रहा है बच्चे। हाँ, अब देखो ये है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है पी एच पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, इसमें वैल्यू पुट कर दो
एच निकालना है, बाकी दोनों दिए हुए क्वेश्चन खत्म। 0.65 बता रहे हैं श्री पास पासी जी हमारे साथी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पता नहीं क्यों, तो देख लीजिए। टोटल बच्चे हैं 60, एनसीसी वाले हैं 30। तो एनसीसी वाले हैं 30, 60 में से एनएसएस वाले हैं 32, बोथ वाले हैं एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस, ये है 24। कहते हैं यूनियन निकालो, बताओ बच्चों यूनियन निकाल पाओगे या नहीं। एनसीसी यूनियन एनएसएस कैसे निकालेंगे, एनसीसी एनएसएस फिर एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस, वैल्यूज को पुट करो और आपका बहुत बढ़िया आंसर निकल आएगा। चेक कर लो ठीक 19/30 बता रहे बच्चे। अमीशी गुड बच्चे। हाँ जी किसी को प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट पे कहते हैं एनसीसी नहीं है एंड एनएसएस भी नहीं है, तो डिमॉर्गन लॉ से आप कह सकते हो ये हो गया एनसीसी यूनियन एनएसएस का नॉट, तो आ जाएगा 1 माइनस एनसीसी यूनियन एनएसएस। यह आया था अभी 19/30। सही बात। थर्ड पार्ट देखो, कहते एनएसएस है बट एनसीसी नहीं है। इसके लिए हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर नॉट वाली बात आ जाए तो इंटरसेक्शन को माइनस, कल ही समझाया था बताया था। तो एनएसएस हमारे पास है 32/60 और इंटरसेक्शन है हमारे पास 24/60। बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ जी कुछ समझ में आया। थर्ड दोबारा समझा देते हैं। देखो जब भी ये बट नॉट वाला आता है ना, तो जिस पर नॉट लगा हुआ है हमने उस पर नॉट लगा दिया। नॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे इस ये तो यस है और ये नो है, तो यस वाले में से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर दो। आप इसे जरा एक समझो, अगर हम वेन डायग्राम से भी समझें तो ये तो एनएसएस है और ये एनसीसी है। देखो डिटेल में हम क्लास में वैसे समझाएंगे बट फिर भी आप समझ लो, ये एनएसएस है और ये एनसीसी है। अब आप ये देखो कि आपको क्या निकालना है, एनएसएस हो
बट एनसीसी ना हो, तो यही एरिया होगा। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए ए बट नॉट बी एग्जैक्टली, तो आप देखो एनएसएच में से किसको माइनस करना पड़ रहा है। इन द केस ऑफ नॉट इंटरसेक्शन विल कम टू शो वी आर टास्किंग बोथ द थिंग्स टूगेदर, इंटरसेक्शन वाले को माइनस करना पड़ेगा। अंश तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो, मेरे को कुछ कम समझ में आया। अच्छा देखो, आप वेन डायग्राम से समझो क्या कह रहे हो आप। हाँ वेन डायग्राम से समझो। अब देखो इसमें एनसीसी वाले टोटल वाले, अच्छा टास्क लिख दिया, देखो उन्होंने कहा है कि वो बच्चे जो उनपे एनएसएस है बट एनसीसी नहीं है, और ये वो हैं जिन पे एनएसएस भी है और एनसीसी भी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए हमें। कौन से चाहिए? जिन पर सिर्फ एनएसएस है, ओनली एनएसएस। तो ओनली एनएसएस कैसे निकालेंगे कि एनएसएस में से जो एनसीसी वाले उनको हटा, ये लॉजिक है इसके अंदर। देखो इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कितने कराए जा सकते हैं। देखो 14 क्वेश्चन में बता देता हूँ। 14 क्वेश्चन में कोई वीना जी हैं जो विजिट कर रही हैं सिटीज का, ठीक है, तो ABCD जो सिटीज है उनको विजिट करती, तो हो सकता है वो पहले करें A B फिर C फिर D, या फिर वो करें ABDC, या फिर वो करें ACBD, या वो करें ACDB, या वो विजिट करें ADBC, या वो विजिट करें ADCB, ठीक है जी, या वो विजिट कर सकते हैं BACD, या BADC, या BCAD, या BCDA, या BDAC, या BDCA, या CABD, या CADB, या PAD, या CBDA, या CDAB, या CDBA, या DABC, या DACB, या DCAB, या DCBA। देखो कितने हुए, 24 हुए कि नहीं हुए चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अच्छा 2 मिस हो गए, इसका मतलब कोई अच्छी शायद हेल्प कर रहे मेरी। 24 होंगे बट 2 मिस हो गए अभी तक हमारे। तो ए बी ए बी ए बी ए बी के तो ए सी के तो ए डी के तो बी के तो बी बी के
जीरो 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 डी, अच्छा डी भी रह गए, ठीक है डी बी ए सी या डी बी सी ए, ये हो गए पूरे 24। ये लीजिए, ये आ गया डीबी के नहीं हुए, यस डीबी के नहीं हुए थे। अब आप यहां देखो ऐसे कितने हैं जिनमें ए बी से पहले आया है, ऐसे कितने हैं फर्स्ट पार्ट कि ए बिफोर बी है, तो 24 में से जितने भी अकाउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं बस, ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेथड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें इसको ही बनाना है मोस्ट इंपोर्टेंट काम था, बाकी नहीं। ऐसे अगला वाला देखो, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, बस ये यहां पे ढूंढ ढूंढ के लिखने और कुछ नहीं करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो 15th भी बता देते हैं। आपने 52 में से 7 कार्ड्स निकाले, ये थोड़ा नया है देखो इसलिए बता रहे हैं आपको, और वो क्या निकले, सारे किंग। तो कितने किंग होते हैं, 4, तो 4 के 4 तो निकल गए, लेकिन टोटल कार्ड कितने निकाले, 7, और जो बिना किंग होते हैं वो कितने होते हैं, 48, उनमें से कितने आए होंगे, 3। क्वेश्चन खत्म। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और करके दिखा। आपने सेकंड पार्ट में आपने 52 में से 7 कार्ड्स निकाले जिनमें से 3 किंग है, तो किंग होते हैं 4, जिनमें से 3 किंग आ गए, अब बाकी पूरा सॉल्व करना है, मतलब फैक्टोरियल में लाके छोड़ देना है, बाकी 48 में से कितने आए होंगे, 4। फिर कहते हैं एटलीस्ट 3 किंग, ये थोड़ा बेटर है क्वेश्चन। एटलीस्ट 3 किंग में दो पॉसिबिलिटीज है, जब पॉसिबिलिटीज होती है तो बीच में प्लस लगाते हैं, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि आपके चारों के चारों किंग आए, चारों किंग आए होंगे तो 3 कोई और आए होंगे, और अगर 3 किंग आए होंगे तो 4 कोई और आए होंगे, बस 4 किंग एंड 3 किंग, यस हर्षित मित्तल। इतना ही करना था इसमें, एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा बढ़िया है, एक इसे और कर लो, ध्यान समझना थोड़ी दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में आपको, लास्ट वाला एक और बता दो। देखो लास्ट वाले में क्या था, उन्होंने कहा था कि कम से कम 3 किंग होने चाहिए, तो हो क्या सकता है, 3 किंग भी हो सकते हैं और किंग 4 भी हो सकते हैं, अगर किंग 3 होंगे तो बाकी 4 किंग नहीं होंगे, और अगर किंग 4 होंगे तो बाकी कार्ड्स में से 3 होंगे। दिया समझ में आई बात,
काव्य जो तुम कह रहे हो, अनु जो तुम कह रहे हो ठीक है, मेथड भूल गए तो अच्छी बात है बेटा, फिलहाल रुक जाओ, कल पेपर है क्या तुम्हारा? बस तो रिलैक्स करो, क्लास में बताएंगे। आज जिनका पेपर है थोड़ा उनको बेटा प्रायोरिटी दे दो थोड़ी सी, आप समझ पा रहे हो ये भी अच्छी बात है बेटा। इसका रिवीजन होगा पूरा, फिर उसमें पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जरा देखो एक बढ़िया क्वेश्चन समझ लो, इसमें दिक्कत आएगी दो बार हो जाएगा, जिनका उनको बहुत इजी लगेगा। तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो बी यूनियन सी है, इसे आप एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। तो LHS से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास बन गया पी ए और पी एक्स। एक्स कौन है? माइनस पी ए इंटरसेक्शन एक्स। क्या ये स्टेप समझ में आया है या नहीं बता दीजिए आराम से, नहीं आया तो मुझे बताओ मैं समझा दूं। नहीं आया समझ में, चलो देखो हम एक काम तो कर सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, नव्या बच्चे बताओ। ठीक है, तो हम अब इसे देखो, हमारे पास जो एक्स है उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है हमारे पास? एक्स का मतलब है बी यूनियन सी, और एक्स का मतलब है, ओहो, एक्स का मतलब है बी यूनियन सी। क्या आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पे यूनियन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, जो हो जाएगा पी बी पी सी और पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ये जो इंटरसेक्शन है ये दोनों के साथ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये स्टेप क्लियर है या नहीं बताओ जल्दी से। ये स्टेप क्लियर है या नहीं, ये आराम से देख के बताओ। बहुत बढ़िया, काम हो चुका है लगभग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है अब। यहां यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, सोचो कि एक चीज एक्स लिखी है दूसरी वाई लिखी है, तो ये हो जाएगा पी एक्स पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आप जानते हो कि एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। वाई का क्या मतलब है, वाई का मतलब है ए इंटरसेक्शन सी, और इस पूरे का क्या मतलब है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का
का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल आराम से करो, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन हो चुका है पूरा का पूरा। आप देखो ये पी ए आ गया, ये पी बी आ गया, ये पी सी आ गया, अब देखो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, जो मिलकर हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन आप देखो ये माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बन जाएगा प्लस, और यही हमें प्रूफ करना था। बताओ भाई बात बन जाएगी अगर ये एग्जाम में चैप्टर वन का फॉर्मूले को यहाँ प्रूव कर दिया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थर्ड स्टेप पे स्टार्टिंग वाला क्लियर नहीं हुआ। थर्ड स्टेप स्टार्टिंग वाला देखो पीए के तो पीए लिख दिया और यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया। आप देखो बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी प्लस पी बी माइनस बी इंटरसेक्शन, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जब जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, तो उसी तरह का रहेगा कुछ। तो इसमें 24 बनेंगे, आप देख रहे हो नहीं, 24 नहीं बनेंगे, पांच है ये। तो जब पांच के पांच बनते दौड़ेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे पांच में से कोई भी आ सकता है, सेकेंड प्लेस पे चार में से कोई भी आ सकता है, फिर तीन में से, फिर दो में से, फिर एक में कोई भी आ सकता है। अब ये कहते हैं फर्स्ट प्लेस पर तो ए ही आना चाहिए। देखो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस। फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस दे रहे हैं, सिर्फ एक चॉइस, वो है ए। सेकेंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस दे रहे हैं, सिर्फ एक चॉइस, वो है बी। थर्ड प्लेस के लिए कितनी दे रहे हैं, सिर्फ एक चॉइस। अब ये तीनों तो हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ जाए बात खत्म, तो बन जाएगा 1/60 बी पार्ट। बस इतना ही है। हाँ अब कहते हैं कि पांच बंदे दौड़े, ठीक है जी, और देखिए सर कैन वी डू, बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, अंश बहुत लंबा हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करा। तो अब देखो बंदे दौड़े फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए, थर्ड प्लेस के लिए, फोर्थ प्लेस के लिए, फिफ्थ प्लेस के लिए। डिनोमिनेटर में आता है ऑल पॉसिबल आउटकम, कोई कंडीशन नहीं होती। तो फर्स्ट प्लेस पे पांचों में से कोई भी आ सकता है, सेकंड पे बचे चार में से कोई भी, थर्ड में बचे तीन में से कोई भी, फिर दो में से कोई भी, फिर एक। अब वो कहते हैं कि भाई पहले तीन प्लेस में तो ए बी सी ही आने चाहिए बस। तो फर्स्ट प्लेस पे ए बी सी में से कोई एक आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे बचे हुए ए बी सी में से कोई एक आ जाएगा, अब बाकी बचे फोर्थ फिफ्थ ऐसे आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10। नहीं पिछला वाला नहीं हो पाता उससे, उसमें जो सॉल्यूशन पूछा था ना उन्होंने अंश, वो अलग लेवल का था, वो नहीं पकड़ में आता इससे, इसलिए हमने नहीं करा था।
हाँ जी देख लो, थोड़ा जल्दी बताना पड़ रहा है एग्जाम की वजह से, जब मेन क्लास होगी तो डिटेल में बताएंगे इसको। सेकंड पार्ट के एंड में क्या करा है? एंड में ये करा है कि देखो, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी आ सकता है, ए आए बी आए या सी आए। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला था फर्स्ट पे यहाँ पे ए आए, सेकंड बी आए और थर्ड सी आए। यहाँ इन्होंने बोला कि तीनों में ए बी सी कोई भी आ सकता है। तो अब देखो, फर्स्ट पे तीनों में से कोई आ सकता है, सेकंड पे बचे दो में से कोई एक, थर्ड में कोई एक। अब यहाँ पे डी या ई में से कोई एक आ सकता है, दो चॉइस, फिर बचेगी एक चॉइस, हमने ये किया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन तो बहुत है, बट मेरे ख्याल से जितने हमने कराए तुम्हारा काम इतने से चल जाएगा।